नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं एडवांस एक्सेल एंड एमआरएस रिपोर्ट ऑटोमेशंस। दोस्तों, आज आपको एक मजेदार चीज बताने वाला हूं। आज हमारा 23 मई है और आज हमारे लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोग टीवी से चिपके होंगे, बहुत सारे लोग अपने मोबाइल फोन पे वगैरह वगैरह डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से देख रहे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस के काम करते समय यूट्यूब और बाकी चीजें तो नहीं खोल के देख सकते हैं। दूसरी चीजें, बार बार मैं गूगल पे जाके रिजल्ट को सर्च तो नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है बॉस देखने के बाद उन्हें बताएं कि यार क्या कर रहे हो, काम कर लो वगैरह 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 वगैरह। तो हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। हमने गूगल पे 2019 विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट को सर्च किया तो एक गूगल का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अब मैं चाहता हूं इसी चीज को एक्सेल पे लेना, ताकि बार बार मैं गूगल ना खोलूं और मेरा एक्सेल पे ही लोड होता रहे। तो हमने इस यूआरएल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे चले गए। मेरे पास एक्सेल 2019 है, अगर आपके पास 2007 वगैरह है तो आप फ्रॉम वेब पे चले जाइएगा। 16 वगैरह है तो गेट डेटा पे आइए। अगर 2016 है तो गेट डेटा पे आइए और यहाँ पे आप फ्रॉम ऑन, यहाँ पे फ्रॉम अदर सोर्सेज में फ्रॉम वेब पे जाइए। और फिर यहाँ पे यूआरएल को डाल के ओके कर दीजिए, जो यार हमने कॉपी किया है। तो जैसे जैसे यहां अपडेट होगा, आपका वहां भी अपडेट होते चला जाएगा कि कौन जीता और कौन हारा, कौन लीड कर रहा है वगैरह वगैरह। बार बार आपको टीवी स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं। अब यहां पे आपके सामने दिख गया। इससे पहले एक और विंडो आता, क्योंकि तो हमने पहले लोड कर लिया और विंडो नहीं आया। आप सब ये करते हैं, इसमें 3-4 टेबल लगा है तो सारे टेबल सेम ही है। इसमें आप देखेंगे सब टेबल सेम ही है। तो टेबल 0 को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हमने इसको लोड कर दिया। ये हमारा आ गया और देखिए रिफ्रेश होता है। अगर मान लो रिफ्रेश में बस क्लिक करके आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए, वो अपने आप को रिफ्रेश कर लेगा। जी हाँ, यहाँ रिफ्रेशिंग दिख रहा है आपको। एवरी टाइम वो अपने आप को रिफ्रेश करता रहेगा। कुछ एडिट वगैरह करना है, कुछ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। टाइमर वगैरह सेट करना चाहते हैं कि हाँ ये इतने टाइम में ऑटोमेटिक होता चला जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके फास्ट लोड पे कर दीजिए, ये आपका होता जाएगा। इसके बारे में और भी बात बात करेंगे, फिलहाल आप इसको आप लोग करके देखें। लेकिन बात तो यदि आती है कि 2019 और 16 का फीचर था, बट आपके पास अगर 2007 है या 13 है तो क्या कैसे करेंगे? तो उस केस में आपको डेटा में जाना होगा और डेटा में यहाँ पे फ्रॉम वेब दिखेगा। फ्रॉम वेब पे क्लिक कीजिए। और इसको पेस्ट कर दीजिए। फ्रॉम वेब पे थोड़ा सा अलग विंडो आता है। 2019 होने के कारण विंडो ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा अलग आएगा। उस पे क्लिक कीजिएगा, उसका अलग आएगा। तो ये यहाँ पे एक जैसा ही दिखा रहा है, लेकिन आपके पास अलग विंडो आएगा। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे यहाँ खुला ना, ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलेगा और वहां से आप पर्टिकुलर उसको लेके लोड कर सकते हैं। मेरे पास तो लोड वर्जन है नहीं, वरना मैं बता देता। ये वेब व्यू के जैसा आएगा, जैसे दिख रहा है आपको, ये व्यू आएगा यहाँ इस तरह से। वैन लाने के बाद इस तरह का व्यू आएगा। अब इसमें आप लोड कर लीजिए इसको, और लोड करके आप इसको देख लीजिए। दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर कंप्यूटर स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ सीख सकते हैं। हमारी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, हम लोग पेन ड्राइव भी सेल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सेल्स की रिगार्डिंग, और हम एडवांस एक्सेल वगैरह की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे कॉल कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।